अचलपूर भूमिपुत्र असलेले वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभाकर गोविंद चावरे यांचे दिल्लीत दुखद निधन झाले. मानव उत्पत्तीचा शोध लावणारे डॉक्टर चावरे यांनी जेनेटिक इंजिनिअरिंग मध्ये शोध करून केंद्र सरकारला दिला होता. चावरे यांच्या शोधला भारतीय आयुर्विज्ञान यांच्याकडून सुद्धा मान्यता प्राप्त झाली होती. प्रभाकर चावरे यांचे दिल्लीला निधन झाले असता अंतिम संस्कार दिल्लीत करण्यात आले आहे. या घटनेने अचलपूर शहरात एकच शोककळा पसरली आहे. अचलपुर के भूमिपुत्र डॉक्टर प्रभाकर चावरे, ये ऐसा नाम है जो अचलपुर में भूमिपुत्र जन्मा है और जो एक महान वैज्ञानिक है जिनका कल सुबह 10 बजे दिल्ली में निधन हुआ. वे मानव विज्ञान, मानव उत्पत्ति का सिद्धांत, इस पर उन्होंने शोध किया था. मानव की उत्पत्ति कैसी है, मानव कैसा जन्मा है, ऐसा जेनेटिक इंजीनियर का उन्होंने शोध किया था और उनका दुखद निधन हुआ है. उन्होंने 75 वर्ष की उम्र में दिल्ली में अंतिम सांस ली. उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हुआ. अचलपुर के मेहराबपुरा में रहते थे और उन्होंने सृष्टि की प्रथम नगरी अचलपुर यह शोध लगाया था. प्राचीन काल की अचलपुर किष्किंधा नगरी है. प्रभु श्री राम जी का, हनुमान जी का मिलन यह अचलपुर में हुआ है. काला हनुमान मंदिर पर हुआ यह शोध उनका था. तापे भारती मठ पर प्रभु श्री राम अरण्य काल के दौरान आए थे, जिन्होंने प्रभु श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी, हनुमान जी ने मिलकर दशरथ जी का पहला वर्ष श्राद्ध किया था. इस प्रकार का प्रमाण उन्होंने गवर्नमेंट को दिया है. भौगोलिक जो आयुर्विज्ञान है उन्होंने उसे मान्य किया था. अमरावती जिले से भी, अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा भी उनके शोध को मान्य किया गया था और उनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए 2024 के लिए मनोनीत किया गया था. लेकिन उनका कल दुखद निधन हो गया. ये अचलपुर के लिए बहुत बड़ी शोकांति का है. मैं अचलपुर की ओर से, राज्य मराठी पत्रकार परिषद की ओर से और हमारे सभी परतवाड़ा अचलपुर पत्रकार संघ की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ और उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसी विनती करता हूँ. धन्यवाद.